फ्रेंड्स, आज रमजान वोकैबुलरी पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। आपके चॉइस पे आज मैं रमजान वोकैब को लेकर आया हूँ। कुछ बच्चे मुझसे बहुत पूछ रहे थे, बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर तस्बीह गिनना को क्या कहते हैं, तस्बीह पढ़ना को क्या कहते हैं, रोज़ा खोलना को क्या कहते हैं, तरावी की नमाज को क्या कहते हैं, तिलावत कुरान को क्या कहते हैं, रोज़ा रखना को क्या कहते हैं। तो रमजान से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास आ रहे थे, कमेंट में पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो आपके लिए यह बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको जानना चाहिए। और आपका जब मैं कमेंट पढ़ा तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आपके अंदर जानने की जिज्ञासा है, इच्छा है, क्यूरियोसिटी है। तो क्यों नहीं आपके लिए मैं आज लेकर रमजान वोकैब आऊँ। इसलिए मैं रमजान वोकैब लेकर आया हूँ, आज इसे ध्यान से देखें। चलते चलते मैं आपको ये बता दूँ कि गाइस, अगर किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण अगर कुछ छोटा दिखाई देता हो तो आप उसे जूम करके देखें, जूम करके पढ़ें, जूम करके देखें और लिखें, साफ साफ पढ़ें लिखें, ताकि आपको किसी तरह का डॉट ना हो। और हाँ, अगर किसी तरह का डॉट हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। सबसे पहले मैं आपके डॉट को क्लियर करूँगा। आज मैं आपका कंसेप्ट क्लियर करने जा रहा हूँ, ताकि रमजान से रिलेटेड जितना भी वोकैब है, जितना भी वर्ड है, वो आपके हाथ से बाहर नहीं जाए। आप इसे गौर से देखें और समझने की कोशिश करें। बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत मज़ा आएगा। तो आइए चलते चलते मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले रमजान है क्या, व्हाट इज रमजान, और रमजान वर्ड आया कहाँ से। तो आइए मैं आपके कंसेप्ट को क्लियर कर दूं। अरे रमजान है, रोज़ा रख रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं, तरावी पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, और आप रमजान के माने नहीं जान रहे, बहुत अफसोस की बात है ना। तो क्यों नहीं पहले मैं आपको इसे क्लियर कर दूं, इस कंसेप्ट को क्लियर कर दूं, आपका सारा कंसेप्ट क्लियर क्यों नहीं हो जाए। तो आइए मैं आपको बताता हूं व्हाट इज रमजान। तो सबसे पहले रमजान है क्या और ये वर्ड आया कहां से। तो रमजान कम्स फ्रॉम अरेबिक वर्ड रमज, रमजान कम्स फ्रॉम अरेबिक वर्ड रमज, विच मीन्स बर्निंग। रमजान जो है वो रमज वर्ड से आया है, ठीक। और ये वर्ड कहाँ का है, अरेबिक वर्ड है। रमजान एक अरेबिक वर्ड है जो रमज से आया है, और जिसका मीन्स होता है जलाने वाला, बर्निंग, जलाने वाला। अब क्या जलाने वाला, ठीक है, पाप को जलाना, गुनाह को जलाना। तो गुनाह को जलाने वाला आप बोल सकते हैं, विच मीन्स बर्निंग, और उसके बाद आप बोल सकते हैं कि रमजान फॉरगिव्स सिंस, SIN सिंस माने होता है पाप, सिंस माने होता है गुनाह, फॉरगिव मीन्स होता है माफ करना, बर्न्स मीन्स होता है जलाना। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि रमजान फॉरगिव सिंस, रमजान गुनाह को माफ करता है, या ऐसे बोल सकते हैं कि रमजान बर्न सिंस, रमजान बर्न सिंस, रमजान गुनाह को जलाता है, गुनाह को माफ करता है, गुनाह को धुलाता है। चलिए ठीक है, आइए देखिए, कम टू द पॉइंट गाइस। रमजान कम्स फ्रॉम अरेबिक वर्ड, रमजान अरेबिक वर्ड से आया है रमज, ठीक। अरेबिक वर्ड वो क्या है, रमज, विच मीन्स बर्निंग। अभी मैंने बताया कि रमजान जो है कम्स फ्रॉम अरेबिक वर्ड रमज, रमजान अरेबिक वर्ड रमज से आया है, जिसका माने होता है जलाना, और इसको इस तरह से बोल सकते हैं रमज
बर्न्स सीम्स, रमदान बर्न्स सीम्स, रमदान बर्न्स सीम्स। सीम्स मीन्स होता है पाप, तो रमजान जो होता है वो पाप को जलाता है। रमदान बर्न्स सीम्स, रमजान पाप को जलाता है। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि रमदान फॉरगिव्स सीन्स, रमदान फॉरगिव्स सीन्स। फॉरगिव्स मीन्स होता है माफ करना, सीन्स माने गुनाह, तो रमजान गुनाह को माफ करता है, माफ करने वाला महीना है। आप जानते हैं कि रमजान जो है बहुत ही पवित्र महीना है, बहुत ही मुकद्दस महीना है, बहुत ही पाक महीना है। इस महीने में आप जितना इबादत कर सकते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकते हैं कीजिए, और जितना अल्लाह से गॉड से आप बेनिफिट ले सकते हैं लीजिए। जितना भी आप गुनाह किया है उसे बकसवाने की कोशिश करें, अल्लाह बकसने वाले हैं, माफ़ करने वाले हैं, ये तो आप जानते हैं ना। ओके, कि गॉड अलमाइटी है, ठीक। आप इसे ध्यान से देखें, आइए। दी होली मंथ ऑफ रमादान, दी होली मंथ ऑफ रमादान, दी होली मंथ ऑफ रमादान, ठीक। मुकद्दस महीना रमजान का, मैं इंग्लिश टू उर्दू कर रहा हूँ, आप देखिए। पवित्र महीना रमजान का, पाक महीना रमजान का, मुकद्दस महीना रमजान का, इसको इंग्लिश में कहेंगे द होली मंथ ऑफ रमजान। फास्ट, एफ ए एस टी फास्ट मीन्स होता है रोजा, फास्ट एफ ए एस टी फास्ट मीन्स होता है रोजा। ऑब्जर्व फास्ट, ओ बी एस ई आर वी ई, ऑब्जर्व फास्ट मीन्स होता है रोजा रखना, ऑब्जर्व फास्ट मीन्स रोजा रखना। ब्रेक वंस फास्ट या अबॉर्ट, ब्रेक वंस फास्ट, ओ एन ई एपेस्ट्रॉफ एस, ओ एन सी ई वंस नहीं होता है, ओ एन सी ई वंस दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, ओ एन ई एपेस्ट्रॉफ एस। तो ब्रेक वंस फास्ट या अबॉर्ट, ए बी ओ आर टी, स्पेल सही से सुने, ए बी ओ आर टी या ब्रेक वंस फास्ट, ठीक है। रोजा खोलना, रोजा तोड़ना या इफ्तारी करना, अफ्तार करते हैं ना, तो अफ्तारी करने को हम कहते हैं ब्रेक वंस फास्ट या अबॉर्ट, रोजा खोलना। और फॉरगो फास्ट, फॉरगो फास्ट, फॉरगो फास्ट मीन्स होता है रोजा को छोड़ देना, रोजा छोड़ना, उसे लीव फास्ट भी बोल सकते हैं आप, लेकिन फॉरगो फास्ट ही बोले तो ज़्यादा अच्छा है, फॉरगो फास्ट रोजा को छोड़ना। प्री डॉन मील, प्री डॉन मील, प्री डॉन मील, सहरी, सहरी जो सुबह में आप सहरी करते हैं ना उसे कहते हैं प्री डॉन मील, प्री डॉन मील। और सेक्लूशन, 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 सेक्लूशन मीन्स होता है इत्तेकाफ, सेक्लूशन मीन्स होता है इत्तेकाफ। रेसिटेशनल प्रेयर या ब्रीफ सलाह, रेसिटेशनल प्रेयर या ब्रीफ सलाह, रेसिटेशनल प्रेयर या ब्रीफ सलाह मीन्स होता है तरावी की नमाज, तरावी की नमाज। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर तरावी की नमाज को क्या कहते हैं, तो रेसिटेशनल प्रेयर भी बोल सकते हैं या ब्रीफ सलाह भी बोल सकते हैं। तरावी, तरावी को क्या बोलते हैं, ब्रीफ सलाह या रेसिटेशनल प्रेयर, तरावी या। चलिए अब नेक्स्ट इधर देखिए, गिव डोल, गिव डोल या चैरिटी, चैरिटी मीन्स तो जानते हैं कि दान होता ही है, तो यहां पर आप बोल सकते हैं गिव डोल या चैरिटी, गिव डोल या गिव चैरिटी, खैरात देना, खैरात देना। जो आप लोग खैरात करते हैं, हम लोग खैरात करते हैं इस महीना में, जितना से ज़्यादा आप, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप खैरात कर सकते हैं, ठीक है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप ज़कात दे सकते हैं, ठीक है, तो आप देखिए क्या होता है इसका, गिव डोल या गिव चैरिटी मीन्स होता है खैरात देना। रिसाइट द होली कुरान, होली मीन्स होता है पवित्र, रिसाइट द होली कुरान, कुरान पाक की तिलावत करना, कुरान शरीफ की तिलावत करना, कुरान मजीद की तिलावत करना, तो कुरान पाक की तिलावत करना को कहते हैं हम रिसाइट द होली कुरान, इट मीन्स कि कुरान पाक को पढ़ना, कुरान पाक को पढ़ना। और रेसिटेशन मीन्स होता है तिलावत, रेसिटेशन मीन्स होता है तिलावत। क्वेंच थर्स्ट, क्वेंच थर्स्ट, तो गाइस जैसा कि आप जानते हैं कि थर्स्ट मीन्स तो प्यास होता है, और रमजान में जब रोजा रखते हैं तो प्यास तो बहुत लगती है, तो क्वेंच मीन्स होता है बुझाना, तो बुझाना, क्या बुझाना, प्यास को बुझाना, और इसका स्पेल होता है क्यू यू ई एन सी एच, क्वेंच, तो क्वेंच थर्स्ट, प्यास बुझाना, क्वेंच थर्स्ट, प्यास बुझाना। गिव आल्म्स, गिव आल्म्स जकात, गिव आल्म्स जकात, गिव आल्म्स जकात,
रोजरी या चैपलेट, रोजरी या चैपलेट। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते थे और पूछते हैं कि सर तस्बीह पढ़ना को क्या कहते हैं, तस्बीह गिनना को क्या कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है कि मुस्लिम जो होते हैं वही तस्बीह गिनते हैं, तस्बीह पढ़ते हैं। हमारे हिंदू भाई भी तस्बीह गिनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तस्बीह का होता है रोजरी चैपलेट, तो आप समझ गए ना कि रोजरी RYSARY रोजरी या चैपलेट CHAPLET। तो रोजरी या चैपलेट मीन्स होता है तस्बीह पढ़ना। क्लियर। एब्सटेन ABSTAIN एब्सटेंस मीन्स होता है परहेज। एब्सटेंस मीन्स होता है परहेज। जब आप रोजा रखते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि बुराई से परहेज करें, गलत कामों से परहेज करें, तो उसे कहते हैं एब्सटेन, परहेज करना। डेट्स DEES डेट्स मीन्स होता है अमाल। डेट्स अमाल DEES डेट्स मीन्स होता है अमाल। डेट्स मीन्स होता है अमाल। तो ये सारा वोकैब रमजान से रिलेटेड है, और रमजान से रिलेटेड जितना भी वोकैब मैं आपको बताया हूँ, आने वाले समय में, आने वाले दिन में आपको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मेरा आपसे वादा है। आगे आप जो भी च्वाइस करेंगे, डिमांड करेंगे, मैं जरूर लेकर आऊँगा, जरूर पढ़ाऊँगा, जरूर बताऊँगा, आप किसी तरह का फिक्र न करें। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो कैसा लगा, हमारा क्लास आपको कैसा लगा, ये कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर किसी तरह का डॉट हो तो उसे भी कमेंट करें, सबसे पहले मैं आपके डॉट को क्लियर करूँगा। और अगर आप कुछ च्वाइस रखते हैं, कुछ पढ़ना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है, मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है कि चलिए आप ये बात बता रहे हैं कि मुझे सब ये जानना चाहते हैं, है ना, मुझे जानकारी नहीं है, ये मैं बहुत खुश होता हूँ। आप पूछिए जितना पूछना है, ठीक है, जब आप मुझसे क्वेश्चन करते हैं तो मैं बहुत खुश होता हूँ। तो आपका अगर कुछ च्वाइस हो, कुछ पढ़ना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो उसे भी कमेंट करें, तो मैं आपके च्वाइस को फर्स्ट प्रायोरिटी देता हूँ, और पहले मैं आपके च्वाइस पर ही क्लास लेता हूँ, वीडियो बनाता हूँ। तो आगे भी मैं कोशिश करूँगा कि आपके च्वाइस को मैं नज़रअंदाज नहीं करूँ। ठीक है, तो गाइस मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो, हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, फॉलो कीजिए, और हाँ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूले, ताकि आपको आगे का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे और घर बैठे तरह तरह की नई नई जानकारी मिलती रहे, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना इस तरह की नई नई जानकारी लेकर आ रहा हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर, यू बाय।